अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज इरफान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रगल की, यानी जुदोजहद की, जो कि हर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं करता है। कोई अपनी स्टडीज को लेके, कोई अपने करियर को लेके, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके, कोई अपनी रोजी रोटी को लेके, गर्ज हर कोई शख्स जिंदगी की इस रेस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक उम्मीद की किरण बनके आपकी मदद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक शख्स की नजर बगीचे की एक शाख पर पड़ी, जहाँ एक तितली कोकून से निकलने की कोशिश में लगा था, हैचिंग प्रोसेस। ये शख्स बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इस लम्हे का मुंतजर था कि कब ये तितली बाहर आए और उड़ जाए। कुछ घंटों तक लगातार ऑब्जर्वेशन और इंतजार के बाद अब ये शख्स थोड़ा बेसब्र हो गया। आखिर कब तक ये तितली इस कोकून से बाहर निकल कर आए। वो गौर से देख रहा था इस नन्हे से तितली की। उसकी ये कश्मकश देखकर रहम खा बैठा। आखिरकार उसने सोच लिया, क्यों ना इस बेचारे तितली की मदद की जाए, ताकि ये आराम से बाहर निकल सके और खुशी से उड़ सके। उसने एक सीजर ली और फौरी तौर उस कोकून का बाकी हिस्सा काट दिया। उसकी मदद से तितली बाहर आ तो गया, लेकिन तितली का शरीर सूजा हुआ और छोटी मोटी पंख मुरझाई हुई। ये शख्स अभी भी बहुत एक्साइटेड था और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जल्द अज जल्द ये तितली उड़ जाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस के साथ इस तितली को पूरी उम्र वही सूजन वाला शरीर और छोटी मोटी मुरझाई हुई पंख के साथ रेंगना नसीब में था। इन अदर वर्ड्स, उसकी किस्मत में उड़ना ही नहीं था। रहमदिल होने के बावजूद वो ये बात न समझ सके कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रगल तितली को बाहर आने से रोक रही थी, दरअसल ये कुदरत का एक निज़ाम था जो कि उस बटरफ्लाई की विंग्स को मैच्योर करने के लिए और जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। आप ये सोच रहे होंगे, जो शख्स बड़ा ही रहम दिल था, वो बस उस बटरफ्लाई की मदद कर रहा था, चलो मैंने भी मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ उस शख्स को इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि बाकी हिस्सा इस कोकून का काटने से उसने इस बटरफ्लाई की पोटेंशियल एबिलिटी को कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई पूरी उम्र हैंडीकैप होके रह गया। ये कुदरत का निज़ाम था, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मुताबिक ये हमारे लिए एक अहम सबक साबित हो सकता है। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी जिंदगी का पहलू हो, घबराए नहीं, यकीनन कुदरत ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा। बस आप एक हिम्मत से काम लें और थोड़ा बहुत सब्र रखें। मुश्किल वक्त से खुद से लड़ना सीखो और ना ही इससे भागने की कोशिश करें और ना ही किसी की मदद की उम्मीद रखें, खुद से लड़ें। मेरा यकीन करो, आप हर मुश्किल घड़ी से आसानी से निकल सकते हो और आप
पहले से बेहतर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद इरफान कश्मीरी। लव यू ऑल।